चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट का पहले ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बॉय हैड सर्वाइव्ड, सॉरी आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। तो ठीक उसी तरीके से जैसा अभी तक आप लोगों ने देखा था, यहां भी आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर। तो ये चूंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, यानी यहां भी आपको डॉक्टर का ओपिनियन बताना है, पर अभी तक पूछा गया था जब बच्चे को भर्ती कराया गया था उस समय का। अब यहां आपसे पूछा गया है आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड, आफ्टर द बॉय यानी के बाद, बॉय मतलब लड़के के, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित बचना। तो थोड़ा सा कहानी में याद करिए कि पहले जब लड़के को हॉस्पिटल लाया गया था, उस समय जब उसकी मां से यह कहा गया था कि यह लड़का जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा, तो उस समय तो डॉक्टर तक, यानी डॉक्टर का जो विचार था वो ये था कि यह लड़का जीवित नहीं बचेगा और यह मर जाएगा, और यह इसके लिए अच्छा भी रहेगा। इतनी बातें डॉक्टर ने उसकी मां से कही थी। लेकिन ठीक जब वो लड़का जिंदा बच गया, उसके बाद जब डॉक्टर से फिर पूछा गया कि अब आप इस लड़के के बारे में क्या कहते हैं, तो वो आपको बताना है कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, कि डॉक्टर का ओपिनियन क्या था आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड, लड़के के जीवित बचने के बाद। तो यहां आंसर के भी एक बार मीनिंग देख लीजिए, द डॉक्टर्स ओपिनियन। देखिए ये जो बात है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डॉक्टर्स ओपिनियन कर दिया, एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, वॉज दैट यानी डॉक्टर का ओपिनियन था कि द बॉय लड़का, वुड कैसे हो गया ये भी आपको पता है कि किस तरीके से, ये पास्ट में इसलिए विल का वुड हो जाएगा, द बॉय वुड बी का मतलब होना होता है, होगा रहेगा, कि लड़का होगा या लड़का रहेगा, लाइफ टाइम का मतलब जीवन भर के लिए, और क्रिपल मींस होता है अपंग। क्रिपल का मींस क्या लिखेंगे आप, अपंग, विद नो यूज, कोई उपयोग नहीं होगा, ऑफ हिज इसके, लोअर मींस निचले लिम्स का, तो इसके जो निचले लिम्स हैं उनका कोई उपयोग नहीं होगा। यानी ये जो डॉक्टर का ओपिनियन है ये कब पूछा गया है, कि पहले तो डॉक्टर ने यही कहा था कि ये जीवित नहीं बचेगा जब लाया गया था, लेकिन जब लड़का जीवित बच गया उसके बाद अब डॉक्टर क्या कहने लगे कि ये लड़का जीवन भर के लिए अपंग रहेगा, यानी जो इसके पैर हैं, लोअर लिम्स का मतलब क्या हो जाता है, पैर, जैसे मैंने पहले जब पढ़ाया था तब बताया था आपको कि जो ऊपर के होते हैं उनको, यानी जो हाथ होते हैं अपने, उनको अपन कहते हैं अपर लिम्स, और जो नीचे होते हैं वो पैर होते हैं, पैरों को अपन क्या कहते हैं, लोअर लिम्स। तो अब एक बार आंसर को पूरे को देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, कि डॉक्टर का ओपिनियन बताना है आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड, लड़के के जीवित बचने के बाद। तो आप क्या कह देंगे कि द डॉक्टर्स ओपिनियन वाज दैट, कि डॉक्टर का ओपिनियन ये था कि, अब आपको जो बात कहनी है वो सोचिए कि लड़का जीवन भर अपंग रहेगा, रहेगा तो ये विल से लाना चाहिए, क्योंकि पहला पास्ट में तो वुड शुड हो जाएगा, तो द बॉय वुड और रहेगा बी माने होना, तो द बॉय वुड बी। यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लाइन आ गई, कि द बॉय वुड बी, कि लड़का रहेगा, क्या रहेगा, जीवन भर अपंग, जीवन भर के लिए आप लाइफ टाइम लगा देंगे, और अपंग का आपको वर्ड याद करना पड़ेगा क्रिपल। समझ में आ गई बात, कि द बॉय वुड बी, कि लड़का रहेगा लाइफ टाइम क्रिपल, जीवन भर के लिए अपंग, और किस अंग से अपंग रहेगा, तो वो भी क्लियर किया है आगे कि विद नो यूज, किससे अपंग रहेगा, कि कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, ऑफ हिज लोअर लिम्स, अपने लोअर लिम्स का, कि वो लोअर लिम्स की वजह से जीवन भर के लिए क्रिपल रहेगा। बात क्लियर, तो पहले आप हिंदी में सोचिए कि इसका जो आंसर है वो आपको देना क्या है, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको अंग्रेजी आ गई और अंग्रेजी में ही आप लिखने लग गए। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव, लड़का जीवित बच गया
उसके बाद डॉक्टर का ओपिनियन क्या था? तो यहां आप क्या कह देंगे कि द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट, कि डॉक्टर का ओपिनियन ये था कि लड़का रहेगा, द बॉय वुड बी कैसा रहेगा, लाइफ टाइम क्रिपल, कि लड़का लाइफ टाइम के लिए क्रिपल रहेगा और काई से क्रिपल होगा कि विद नो यूज, कोई यूज नहीं होगा ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्या उसके लोअर लिम्स का कोई यूज नहीं होगा, विद नो यूज ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्या उसके लोअर लिम्स का कोई यूज नहीं होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका बी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक बार इसके भी मीनिंग देख लीजिए, व्हाट वाज द इफेक्ट। दो वर्ड होते हैं, एक अफेक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है, दोनों में नाउन और वर्ब का अंतर है। जब इफेक्ट आता है तो वो नाउन फॉर्म होती है और अफेक्ट आता है तो अर्थ होता है प्रभावित करना। समझ में आ गई? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और इफेक्ट हो या सॉरी अफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, केवल प्रभाव। तो ये नाउन फॉर्म है और ए लगने से ये वर्ब फॉर्म हो जाती है। तो अब देखिए कि व्हाट वाज द इफेक्ट, यहां हिंदी क्या निकलेगी कि प्रभाव क्या था, वाज वर्ब इनकम्प्लीट वर्ब हो गई, अर्थ इसका क्या निकलेगा, था थी। तो यानी प्रभाव क्या था, किसका, ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स, डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर के, और वर्ड्स का मतलब शब्दों का, डॉक्टर के शब्दों का प्रभाव क्या था ऑन द टेरिबली, टेरिबली का मतलब वेरी बैडली, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से, और बरेंट मतलब जले हुए, तो बहुत बुरे तरीके से जले हुए लड़के पर, ऑन मतलब पर। तो पूरी बात एक बार फिर से देखिए कि व्हाट वाज द इफेक्ट, प्रभाव क्या था ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स, डॉक्टर के शब्दों का, ऑन द टेरिबली बरंट बॉय, गंभीर रूप से जले हुए लड़के पर। तो गंभीर रूप से जो लड़का जल गया था उसके ऊपर डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव था। क्लियर? अब एक बार इसके आंसर के भी वर्ड मीनिंग देखिए, वेन द लिटिल बॉय, वेन मतलब जब, मैंने आपको बता दिया है जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, जब इनके बाद आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, पूरे सेंटेंस के लास्ट में जाके मिलेगा, जब इनके बाद, जैसे यहां देखिए व्हाट है, इसके बाद ये आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, लेकिन इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगी, यानी सीधे सीधे है कि जब ये प्रश्नसूचक शब्द की तरह उपयोग में होते हैं तब इनके अर्थ कहां से होते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन जब इनका उपयोग प्रश्नसूचक शब्द की तरह नहीं होता, एज कंजक्शन होता है, तब इनके अर्थ कहां से बदल के जा से हो जाते हैं। तो यहां अर्थ क्या है कि वेन द लिटिल बॉय हियर्ड, वेन मतलब जब, लिटिल बॉय मतलब छोटे लड़के ने, हियर्ड मतलब सुना, दैट की ही वुड डाई, वह मर जाएगा, ही डिसाइडेड उसने तय किया, दैट की ही वुड सर्वाइव, वह जिएगा, दो बेशक, ही वॉज टेरिबली वरंट, टेरिबली मैंने आपको यहां बता दिया वेरी बैडली, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से, कुछ भी लिख लें, कि बेशक वह गंभीर रूप से वरंट जल गया था, वॉज मतलब था, कि बेशक वह गंभीर रूप से जल गया था, यट फिर भी, ही मेड अप उसने तय किया,
हिज माइंड दिमाग में दैट की ही वुड नॉट बी वह नहीं रहेगा बी माने यहां रहना होना रहना बनना ये अर्थ होते हैं इसके वह नहीं रहेगा एक क्रिपल एक अपंग मीनिंग हो गए होंगे सबके अब एक बार ऐसा करिए कि पहले आपकी जो नोट्स हैं उनको बंद करिए और इसको पूरे अच्छे से समझिए जिससे एक ही बार में अच्छे से याद हो जाया करे थोड़ा सा आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है कैसे क्या लग रहा है वो लगभग समझ में आ गया होगा अब पूरा ध्यान आपको आंसर पे देना है पर पहले क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड यहां आपको बताना है कि डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव था डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव था ऑन द टेरिबली बर्नट बॉय गंभीर रूप से जले हुए लड़के पर ठीक अब इसकी आंसर को यह देखिए कि कैसे कैसे चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर के शब्द लड़के के लिए कौन से शब्द कि जैसे ही लड़के को अंदर लाया गया था हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर के शब्द क्या थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा ये दो बातें पहले आपको बतानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लड़के को लाया गया था तो डॉक्टर ने क्या कहा था कि ही वुड श्योरली डाई यही तो आप याद करके आए हैं डॉक्टर ने यह कहा था कि यह लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा उस समय लड़के ने क्या सोचा कि वो मरेगा नहीं ही वुड सर्वाइव वो जिएगा जब लड़का जीवित बच गया फिर डॉक्टर के शब्द क्या थे कि ही वुड बी अ लाइफ टाइम क्रिपल ये जीवन भर के लिए अपंग रहेगा तब लड़के ने क्या तय किया था कि मैं अपंग नहीं रहूंगा मैं चल के बताऊंगा तो आपको यहां यह चीज समझनी है कि डॉक्टर ने क्या कहा था और तब उसके ऊपर क्या असर पड़ा था देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहेंगे कि व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड ये पहली बात है कि जब छोटे लड़के ने सुना क्या सुना फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या सुना था दैट ही वुड डाई उसने ये सुना था तो यहां दोनों ही बातें पहले आपको यह देखनी है कि डॉक्टर ने क्या कहा था उसका लड़के पर फिर क्या इफेक्ट हुआ ठीक है तो व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड के जब छोटे लड़के ने सुना क्या सुना दैट ही वुड डाई तो पहले तो डॉक्टर के ये शब्द थे कि ही वुड डाई लड़के ने सुना इसका मतलब डॉक्टर ने कहा एक ही बात है समझ में आ गई तो ये पूछा है कि डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव था तो पहले तो डॉक्टर के शब्द तो बताएं तो वो कहेंगे आपके व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड के जब छोटे लड़के ने सुना ठीक हियर का पास्ट हो गया सेकंड फॉर्म लग गई हियर्ड तो मैंने बताया था कि लास्ट में से आप है भी हटाइए था भी हटाइए और गा भी हटाइए तो बात जो होती है वो ऑटोमेटिक पास्ट में चली जाएगी तो जब छोटे लड़के ने सुना मतलब व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड हियर का सेकंड फॉर्म कर दिया बस क्या सुना दैट ही वुड डाई कि वो मर जाएगा ये सुना पहले अब इस ये जो बात थी इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी बताइए तो इसका क्या प्रभाव पड़ा था कि ही डिसाइडेड जैसे ही उसने सुना तुरंत ही उसने डिसाइड किया ही डिसाइडेड उसने तय किया कि ही वुड सर्वाइव तो ये कहने पर लड़के ने डिसाइड किया था कि ही वुड सर्वाइव ये तय किया था तो यहां दोनों बातें बड़ी क्लियरली आपको दिमाग में रखनी है और दोनों बातों को कह के फिर उनके उत्तर बताने क्योंकि आपको बताना है कि इफेक्ट प्रभाव बताना है ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स डॉक्टर के शब्दों का आप क्या कहेंगे कि व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड पहले सुना उसने डॉक्टर के शब्दों को व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड दैट क्या सुना उसने कि ही वुड डाई कि वो मर जाएगा ये सुना उसने तो वहीं उसने ही डिसाइडेड उसने तय किया कि ही वुड सर्वाइव उसने तय किया कि वो जिएगा इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड कि जब छोटे लड़के ने सुना दैट ही वुड डाई कि वो मर जाएगा ही डिसाइडेड उसने तय किया कि ही वुड सर्वाइव वो जिएगा फिर दूसरी बात क्या थी कि पैर नहीं थे तो जीवन भर के लिए अपंग रहेगा उसके पैर नहीं थे तो फिर उसने क्या सुना
कि बच तो गया है पर जीवन भर के लिए अपंग रहेगा, तब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपंग नहीं रहूंगा। तो दो, बेशक ही वॉज टेरिबली बरंट, तो दूसरी जो बात उसने सुनी उसको फिर दोबारा लिख रहे हैं, वो बेशक करके लिख रहे हैं कि दो बेशक येट फिर भी, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका ये जैसे यहां बट लगा देते हैं कुछ लोग दो के साथ में तो वो गलत हो जाता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको अच्छे से याद करिए, दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन होता है। तो दो ही वॉज टेरिबली बरंट, के बेशक वो बहुत ज्यादा जल गया था, बेशक वह गंभीर रूप से जल गया था, येट फिर भी। समझ में आया कि नहीं, जैसे एंड का बट के साथ होता है ऐसे ही दो का येट के साथ होता है, कि दो ही वॉज टेरिबली वरंट, कि बेशक वो बहुत ज्यादा जल गया था, येट फिर भी ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग को स्थिर किया, उसने अपने दिमाग में डिसाइड किया। तो दूसरी बार उसके जो शब्द थे कि बहुत ज्यादा जल गए हो बेटा, पैरों का उपयोग नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए लिख रहे हैं कि दो ही वॉज टेरिबली वरंट। यहां दूसरी बात को याद रखना कि दो ही वॉज टेरिबली वरंट, कि बेशक वो बहुत ज्यादा जल गया था, येट ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग में डिसाइड किया, तय किया, दैट ही मेड अप हिज माइंड, दैट उसने अपने दिमाग में क्या मेड अप किया, क्या तय किया, दैट ही वुड नॉट बी, कि वो नहीं रहेगा अ क्रिपल, एक अपंग। फिर उसने यह तय किया कि ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वो अपंग नहीं रहेगा। तो यहां केवल दो बातें हैं डॉक्टर की, डॉक्टर की दोनों बातों को समझिए और फिर उनके आंसर भी दीजिए, ये इफेक्ट था। तो पहले तो यह बताना होगा आपको कि कौन सी बात फिर उसका क्या इफेक्ट, फिर कौन सी बात फिर उसका क्या इफेक्ट। समझ में आ गई बात? तो पहले आपको बात बतानी होगी, फिर उस बात का आपको इफेक्ट बताना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन जो आपका ये है कि व्हाट वाज द इफेक्ट, इफेक्ट क्या था, तो उसके लिए आप स्टार्ट करेंगे कि व्हेन द इफेक्ट कब होगा, जब आपको सुनेंगे। तो व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड, कि जब छोटे लड़के ने सुना दैट ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा, ही डिसाइडेड, उसने तय किया दैट ही वुड सर्वाइव, कि वो जिएगा। इसके बाद दूसरी बात उसने सुनी, अपन ने वो बात नहीं लिखी, दो बेशक ही वॉज टेरिबली बरंट, डॉक्टर ने ये कहा था कि बहुत जल गया है इसलिए अपंग रहेगा, तो अपन ने उसकी थोड़ी बात ले ली कि दो बेशक ही वॉज टेरिबली बरंट, कि बेशक वो बहुत जल गया था, दो बेशक ही वॉज टेरिबली बरंट, कि बेशक वो बहुत जल गया था, येट फिर भी। समझ में आया? दो ही वॉज टेरिबली वरंट, येट फिर भी ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में मेड अप किया, क्या मेड अप किया, कि मैं क्रिपल नहीं रहूंगा, रहूंगा वुड नॉट बी, नहीं रहूंगा। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वो एक क्रिपल नहीं रहेगा। बात सही से समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई अच्छे से? एक बार अगर अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाए कि सीक्वेंस क्या है, हमें लिखना कैसे है, फिर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड, क्योंकि डॉक्टर ने बच्चे के लिए दो बार शब्द कहे थे, एक बार तो जब लाया गया था तब कहा था कि मर जाएगा, फिर जब बच भी गया था तब कहा था कि जीवन भर के लिए अपंग रहेगा। तो डॉक्टर ने दो कहा था कि मर जाएगा, मर जाएगा वाली बात का लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा, कि ही वुड सर्वाइव, कि वो जिएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन द लिटिल बॉय हियर्ड, जब छोटे लड़के ने सुना दैट ही वुड डाई, ये सुना, ये जो सुना था इसका क्या इफेक्ट हुआ, तो ही या इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ही डिसाइडेड, उसने तय किया कि ही वुड सर्वाइव। फिर दूसरी बार सुना कि लाइफ टाइम के लिए क्रिपल रहेगा, तब लड़के ने क्या डिसाइड किया था, तो अब वो इसका लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा, कि दो ही वॉज टेरिबली वरंट, कि बेशक वो टेरिबली वरंट हो गया, बेशक वो बहुत ज्यादा जल गया, येट फिर भी ही मेड अप हिज माइंड, फिर भी उसने अपने दिमाग में तय किया कि ही वुड नॉट बी अ क्रिपल। अब उसने ये कहा कि तुम कह ही रहे हो मैं क्रिपल नहीं रहूंगा, मैं चल के बताऊंगा।